नमस्कार। जनज्वार के इस एपिसोड हासिए के लोग में आपका स्वागत है। इस बार का मुद्दा है दलित आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप का मामला है। जो स्टूडेंट राजस्थान के रहने वाले हैं और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में, तुलजापुर में, हैदराबाद में अपना मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW की डिग्री कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को राजस्थान की सरकार स्कॉलरशिप नहीं देती है। जबकि अन्य राज्यों की सरकारें जिनमें उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें हैं, ये छात्रवृत्ति देती है। न केवल ये सरकारी छात्रवृत्ति देती है बल्कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अगर आप जाएंगे तो आप वहां पाते हैं कि असम, चंडीगढ़, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट भी इसमें कवर होते हैं, लेकिन राजस्थान के स्टूडेंट स्कॉलरशिप की इस योजना में न तो नेशनल पोर्टल पर और न ही राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कवर होते हैं। इस छोटी सी चूक की वजह से, चूंकि राजस्थान का जो सामाजिक आधिकारिता विभाग है उसके पोर्टल पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस मुंबई लिस्टेड नहीं है, इस चूक की वजह से राजस्थान के करीब 33 स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने पढ़ाई कर ली है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर ली उनकी डिग्री अटकी हुई है, क्योंकि अगर उनको अपनी डिग्री लेनी है तो उनको ओपन कैटेगरी से डिग्री लेनी होगी, यानी कि उनको 2 लाख रुपया जमा कराना होगा तब टाटा इंस्टीट्यूट उनको डिग्री देगा। अब अगर उनके पास 2 लाख रुपया नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की फोटोकॉपी ले सकते हैं लेकिन ओरिजिनल डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करीब 33 स्टूडेंट अभी अटके हुए हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में। ये जो स्टूडेंट है इन्होंने अपनी इस मांग को उठाया है। 2018 से अब तक निरंतर स्टूडेंट्स अपनी मांग को राजस्थान सरकार को देते रहे। राजस्थान सरकार की तरफ से भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी गई कि वो डॉक्यूमेंट दे ताकि ये लिस्टेड हो सके। डॉक्यूमेंट दिए भी गए, स्टूडेंट्स ने भी अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। इस बात को लेकर के हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन के, भट्टाराम, उनसे भी बात करी और उन्होंने आकर के राजस्थान सरकार को अपनी बात, अपनी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। पिछले दिनों मैंने टिस जाकर के भट्टाराम से जो बातचीत करी उसको आप सुन सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है वो SC ST OBC GYPU में से एक स्कॉलरशिप वो देती है जो स्टूडेंट पढ़ रहे हायर एजुकेशन के लिए। तो वो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो कि सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सरशिप है और जो भी असिस्टेंट दी जाती है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में क्या है कि जो पोर्टल होता है GYPMS का उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आता और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आता है जो राजस्थान के बाहर है। तो हमारे अन्य राज्यों में आता है, अन्य राज्यों की पोर्टल पे टिस का नाम है? हाँ, बाकी सबके राज्यों में टिस का नाम है और बाकी सब राज्य टिस के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं और नेशनल पोर्टल है जो स्कॉलरशिप का, उसमें भी टिस का नाम है। लेकिन यानी कि केंद्र सरकार देती है जी, लेकिन राजस्थान सरकार नहीं दे रही। और जब हमने राजस्थान सरकार को अप्रोच किया लास्ट ईयर डॉक्टर राजीव वाघमारे जी के थ्रू, सचिन पायलट साहब को जब हमने एक बार बात किया था तब भी पायलट साहब बोले थे हम देखेंगे और BJP गवर्नमेंट नहीं देती थी तो हम देखेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन आश्वासन दिया था और शुरू नहीं किया। उसके बाद हमने लेटर लिखा था मंत्री जी को, माननीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब को, तो वो भी बोले थे आप ठीक लेटर दे दो हम देख लेंगे। फिर हमने डिपार्टमेंट जाके बात किया, सौरमल जी वर्मा साहब से बात किया तो वर्मा जी बोलते हैं हमने ठेका नहीं ले रखा। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वो बैठे हैं, पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन वो हमारा काम नहीं कर रहे। ठेका नहीं ले रखा का क्या मतलब? उनका क्या कहना था कि हम छात्रवृत्ति दे इसका हमें कोई
हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वो ऐसा बोले कि हमने ठेका नहीं ले रखा है सबका, और शारजाह इंस्टीट्यूट है तो हमने सबका ठेका नहीं ले रखा है, ऐसे करके हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद आपने क्या किया? हाँ, उसके बाद हमने एक और मुख्यमंत्री साहब के लिए लेटर भिजवाया था, और मुख्यमंत्री साहब से अपॉइंटमेंट के लिए मैंने मेल भी लिखा था, लेकिन वहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिली। ये जो 33 स्टूडेंट हैं, ये मोस्टली SC ST OBC से आते? हाँ, ये जो GYP में से, उसका इनकम लिमिट है 2.5 लाख से कम पैसे के जो स्टूडेंट जो SC ST OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप स्कीम है। लेकिन ये लोग कभी बोलते हैं कि फंड नहीं है, कभी बोलते हैं कि हम टीस को स्कॉलरशिप क्यों दें, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि टीस एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, सब गवर्नमेंट इसको स्कॉलरशिप देता है और पोर्टल में नाम है। इस पूरी रसाकसी में 33 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। अगर ये मामला नहीं सुलझ पाता है तो इन सारे स्टूडेंट्स को प्रति स्टूडेंट 2 लाख रुपया जमा कराना होगा। इस गंभीर समस्या के बारे में हमने विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान के शासन सचिव अखिल अरोड़ा जी से मुलाकात करी और उनको स्टूडेंट्स की समस्या के बारे में बताया। अखिल अरोड़ा जी ने पूरी बात को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो इस पूरे मसले को दिखवाएंगे और एक कमेटी जो स्कॉलरशिप देने का निर्णय करती है उस कमेटी के सम्मुख इस बात को रखा जाएगा। इस कमेटी की शीघ्र ही मीटिंग होगी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में टिस में जो बच्चे पढ़ते हैं राजस्थान के दलित आदिवासी वंचित वर्गों के, उनके मसले को हल किया जाएगा। उम्मीद है कि ये जल्दी ही मसला हल होगा।